हे गाइस, मैं आरती शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ बहुत ही यमी और टेस्टी सी ओवरनाइट ब्रेकफास्ट रेसिपी। अगर आप डेली ओवरनाइट ओट्स एक ही फ्लेवर के खा के बोर हो गए हैं तो ये फ्लेवर ना मस्ट ट्राई है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये नो कुकिंग रिक्वायर्ड रेसिपी है, सिंगल सर्विंग रेसिपी है, इसमें 252 कैलोरीज है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लो फैट कर्ड लिया, उसको अच्छे से विस्कर से विस्क करके फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप पानी, इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा लिक्विडी बनाने के लिए, ताकि जब हम इसको सोक करें तो अच्छे से हम जो भी चीज़ें डाल रहे हैं वो सोक्ड हो जाए। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। ये रेसिपी ना, इसमें मैंने इलायची और केसर का फ्लेवर दिया है। ये एक तरीके से रबड़ी और या फिर रसमलाई की तरह लगती है, अगर आपकी दही जो आप इसमें यूज़ करें वो खट्टी ना हो, बढ़िया मीठी दही हो, जैसे कि फ्रेश दही हो। तो फिर मैंने यहाँ पे लिया है काजू और बादाम। कितनी क्वांटिटी में क्या ले रही हूँ सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और कितनी कैलोरीज है। फिर मैंने लिया था किशमिश, चिया सीड्स, ओट्स, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फॉक्स नट्स। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, और जो फॉक्स नट्स है वो रिच इन कैल्शियम होता है और आर्थराइटिस के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें ऐड किया इलायची और इलायची पाउडर और केसर थोड़ा सा। अच्छे से मिक्स करके ना हम इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखेंगे, जिससे कि ये अच्छे से सोक्ड हो जाए, बढ़िया फूल जाए। और अगर आप जल्दी जल्दी में हैं तो आप इसमें इंस्टेंट वाले ओट्स ऐड कर सकते हैं और करीब 1/2 से 1 घंटे तक भी फ्रिज में रख के खा सकते हैं। लेकिन अगर आप रात भर इसको सोक करने के लिए रखेंगे तो काफ़ी बढ़िया कंसिस्टेंसी आती है। अभी आप देख सकते हैं प्रॉपर सोक्ड हो चुके हैं और एकदम खोए की तरह, मावा की तरह ये लग रहा होगा आपको, एकदम रबड़ी की तरह लगता है। आप इसमें अपनी पसंद का स्वीटनर भी ऐड कर सकते हैं। मैं स्वीटनर नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं इसकी जगह फ्रेश फ्रूट ऐड कर रही हूँ, जैसे कि मैंने थोड़ा सा एप्पल लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा मैंने अनार ऐड किया है। अगर आपको मीठा कम लग रहा हो तो आप अपनी पसंद का स्वीटनर जैसे स्टीविया या फिर हनी या फिर मेपल सिरप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने चॉप पिस्ता ऐड किया है। बस हमारी ये डिलिशियस यमी सी रेसिपी बनकर तैयार है, जो कि ओवरनाइट रेसिपी है और बहुत ही यमी ब्रेकफास्ट आइडिया है। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, और ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिए। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी है।